हम लोग अभी बैठे हैं इधर DIB ऑफिस के, जो ऑफिसर ने बुलाया है तो कुछ देर वेट कर रहा है, बाद में बुलाएंगे। देखो बेटा इधर इस तरफ देखो, PM को आज बुलाया है DIB ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। चलो देखते हैं आगे क्या पूछते हैं इधर, फिर बाद में बताएंगे आप लोगों को। बच्चों की पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूशन है। मतलब पहले ऐसा होता था, बच्चों की पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती थी। मतलब अभी के टाइम में एकदम होता है। DIB की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास मांगा गया था, पूरा क्लियर करना है अभी इस वीडियो में। मतलब पहले ही मांगा गया था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसके बाद बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, और उसके बाद आते हैं बच्चों की माँ बाप की, मतलब आधार, वोटर, पेन, रेशन कार्ड और माँ बाप की पासपोर्ट, और जहाँ रहते हैं करेंट एड्रेस जहाँ का है वहाँ का, मतलब ज़मीन का कागज़ जैसे कि डीड होता है और खतियान होता है, और एक बाद में बच्चों का एक फ़ोटो मांगा गया था। और थोड़ा जानकारी दे दूँ, मतलब हम लोग गए थे 26 तारीख को पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, मतलब 14 तारीख को ही, 14 मई को ही आ गए थे मेल। मतलब उन लोगों का कहना है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, मतलब 3 वीक्स के अंदर ही पुलिस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तो मतलब 14 तारीख को मेल आया, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से, मतलब DIB की तरफ से हम लोगों के पास कॉल आया 25th, मतलब 25 तारीख को, 25 मई को कॉल आया, और हम लोग 26 तारीख को दोपहर में गए। मतलब थोड़ा क्वेश्चन भी करता है, पूछ लेता है क्या, मतलब गार्जियन का क्या ऑक्यूपेशन होता है और बच्चों का नाम वगैरह, कहाँ पढ़ाई कहाँ पे करते हैं, यही पूछते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब ये जानकारी घर में आके दे रहा हूँ, इसलिए ऑफिस में वीडियो बनाना उतना अलाउ नहीं था, दिक्कत होता उधर, इसलिए घर में आके ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो थैंक्स।